रेणुका, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आप पे मुझे बहुत गर्व है कि आप यहाँ तक आई. आपने इतने मन से डांस किया है, इसे प्लीज कंटिन्यू रखना. आप इसी रूटीन को अपना एक्सरसाइज रूटीन भी बना लीजिए. जी बिल्कुल, इससे बढ़िया रूटीन हो नहीं सकता है एक्सरसाइज का. और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि मैं कथक सीखने वाली हूँ इसके बाद. थैंक यू ऑल सो मच. लव यू. थैंक यू. आई लव यू टू. आई मिस यू. We all love you, Renuka. It was wonderful having you back. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Bye. चौथे नंबर पे है अनुष्का एंड पुनीत. आई वुड लाइक टू ऐड कि अनुष्का एंड पुनीत भी रियली हमें मतलब चांस नहीं मिला आपका ट्रू टैलेंट देखने के लिए. आप बहुत ही जल्दी चले गए यहाँ से, लेकिन फिर भी आप जितने भी आपके दो परफॉर्मेंसेज हुए, दे वर एंजॉयबल, दे वर फन. बस मैं आप दोनों को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ लाइफ में फॉर एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज. थैंक यू. थैंक यू अनुष्का. थैंक यू पुनीत. तो माधुरी, इसका मतलब हमारे टॉप थ्री हैं अंकिता, याना और कृष्णा. ये हमारे टॉप थ्री कंटेंडर्स हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए. कितने कश्मकश की घड़ी, कितने सवालों से भरी घड़ी, क्योंकि सिर्फ एक जगह और तीन टक्कर के दावेदार. इससे पहले कि जजेस बताएं कि फाइनली वो एक नाम कौन है, एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू दिल और डांस और जुनून से भरा झलक दिखला जा. जजेस, हर बढ़ते पल के साथ सस्पेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है. जल्दी से बताइए कौन वापसी करेगा. आप तीनों जिस तरीके से खड़े हैं अभी यहाँ पे सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनाले है और उसमें से एक को भाग जाना है. वेरी टफ, वेरी वेरी टफ. एंड मैं जिनका भी नाम लूंगा वो ये ना समझे कि वो इस मंच के लायक नहीं है. डांस अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा करते हैं. इतना अच्छा करते हैं कि हमको प्रॉब्लम होती है वो नाम लेने में. जो तीसरा नाम है जो बाहर जाने वाले हैं, कृष्णा एंड रॉबिन. आपने कहा कि इस लेवल पे आपको तकलीफ हो रही है जी, तो वही मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत बड़ा है. और आप तीनों को मैंने अपने दिल के ऊपर लेवल पे बिठाया हुआ, इतना आप लोगों की इज्जत और प्यार है. थैंक यू वेरी मच. एंड हमने भी एक्चुअली आपको दिल के उसी लेवल पे बिठाया हुआ है. और आप हमेशा मेरे लिए एक परफेक्ट एंटरटेनर, एक प्रॉपर डांसर हमेशा रहेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Let's hear it for Krishna and Robin. जोरदार तालियां हो जाए. यानी कि आज के हमारे टॉप टू हैं अंकिता और निशांत, याना और सलमान. सो जजेस, अंकिता, निशांत, याना, सलमान, बस आप दो ही बच्चे हैं अभी इस वाइल्ड कार्ड एंट्री में. कौन आगे जाएगा कौन नहीं वो बस हम कुछ ही मिनटों में हम बता देंगे. लेकिन मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप दोनों में से किसको आगे जाना चाहिए और क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं इस कंपटीशन में आई हूँ, मैंने फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक मेरे डांस में हर टाइप का वेरिएशन दिया है. मैंने मराठी डांस किया है, मैंने सालसा किया है, मैंने राजस्थानी किया है, मैंने कंटेम्प्रेरी किया है, मैंने ब्रेक डांसिंग किया है और आज मैंने
इंडियन कंटेम्प्रेरी किया है, तो मुझ में बहुत सारे वेरिएशंस हैं एंड आई फील आई एम द बेस्ट. ओके या ना सलमान, आई थिंक वी जस्ट बिकॉज वी एंजॉय इट एंड वी वुड रियली लव टू डू सम अमेजिंग स्टफ ऑन स्टेज एंड एंड स्प्रेड द मैजिक एंड आई थिंक वी डू वर्क हार्ड. एब्सोल्युटली, वी रियली डू. जी देखिए, मेहनत सभी करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, पर हम कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं इस स्टेज पे जो आने वाले कई साल तक कोई वो मैचअप ना कर पाए. सो वी आर एमिंग फॉर दैट. सो आई फील दैट्स द डिफरेंस. हाँ जी, तो किसके डांस के साथ साथ उसका जवाब भी लाजवाब लगेगा जजेस को, अंकिता या याना? इन दोनों में से कौन करेगा पूरे जोश और जुनून से वापसी? जजेस, अब बस इतना बता दीजिए कि इनमें से किसे झलक में नया जीवन मिलेगा. जिसको नया जीवन मिलेगा इस वाइल्ड कार्ड के जरिए, वो है याना और सलमान. वेलकम बैक. याना, वेलकम बैक. वेलकम बैक याना. How are you feeling right now, Yana? Great! Thank you for having us back. We will do our best to impress you all the time. Ankita, itne close aane ke baad, just itne se mera jaane se, matlab. It's okay. मैंने पहले भी, जब मैं कल भी आउट हुई तभी मैंने यही कहा था कि ये कॉम्पिटिशन है और किसी ना किसी को जीतना है, किसी ना किसी को हारना है. तो आज मैं आउट हुई हूँ, कल को कोई और आउट होगा, फिर कोई एक ही जीतेगा. तो आई एम रियली हैप्पी कि सलमान याना है, क्योंकि दे रियली डिजर्व दिस. उनका वापस आना बहुत ज़रूरी था और आई एम वेरी श्योर कि अब और मज़ा आएगा. और अंकिता, अंकिता से मैं यही कहूँगी, अंकिता कभी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि आज के बाद आपको हिम्मत और कॉन्फिडेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रैंड फिनाले के लिए वापस आएंगे. या श्योर मैम, इस मंच पर, इस परिवार में आप वापस आएंगे. मैम मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी इस परिवार से गई नहीं हूँ. आई एम स्टिल देयर. आप समझे नहीं? हमने डिसीजन लिया है कि आप दोनों ही एज वाइल्ड कार्ड एंट्री वापस आएंगे. इतिहास बदल गया. मैं चाहता हूं हमारे सारे कंटेस्टेंट्स जो ऊपर बैठे हैं वो डांसिंग फ्लोर पर आ जाए प्लीज. के उजाला परफॉर्मर्स हैं याना एंड अंकिता. हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ. अब समीकरण
बदल जाएंगे, कहानी का रुख बदल जाएगा, पर तभी कॉम्पिटिशन में मजा आएगा। अब तो हम आ गए हैं अपने फाइनल पड़ाव में, अब रेस ग्रैंड फिनाले की है। तो इस अहम दौर की शुरुआत यानी अगले हफ्ते का चैलेंज कुछ खास, कुछ बड़ा होना चाहिए, और इसीलिए आज के दौर में सबसे रॉकिंग और ग्रेसफुल डांसिंग स्टार मलाइका देंगी हमारे सेलेब्स को चैलेंज। पर मलाइका चैलेंज क्या होगा? मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और काफी हफ्ते अब बीत चुके हैं, सबके स्ट्रेंथ सबके वीकनेसेस हमने देखे, अब थोड़ा और हमें कुछ देखना है ताकि हमारे ग्रैंड फिनाले तक जब हम पहुंचेंगे हम कह पाएंगे कि बाय गॉड यू गाइस आर द वर्ल्ड्स बेस्ट डांसर्स दैट वी हैव ऑन स्टेज। तो चले हम शुरुआत करते हैं हमारे सुशांत से। पहले एपिसोड से आज तक सुशांत जितने भी डांसेस आपने किए आप तो माहिर हो, इस बार आप आसमान में डांस कीजिए, यानी कि आपको एक एरियल एक्ट करना पड़ेगा। फाइन अंकिता वापस आ गई, मैं ऐसे ही हवा में हूँ तो मेरे लिए आसान होगा। माही और सैवियो, माही आप शुरू से आप हंसती आई है, सबको हंसाया है यहाँ पे। इस बार आपका चैलेंज रहेगा कि आप हमें हंसाना मत, जितना आप हमें रुला सकते हो, जितना आप सीरियस हो सकते हो आपके परफॉर्मेंस में, वो हम देखना चाहते हैं। एक बहुत ही इमोशनल एक्ट मुझे चाहिए। ओके माही, सीरियस होना पड़ेगा अभी। इमोशनल अत्याचार हंसना नहीं है, हंस लेना दो, अगले हफ्ते रोना ही है। चैंग 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 हमारे बहुत ही एडवांस परफॉर्मर हो, यू गाइज हैव ऑलवेज थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस बार मैं आपको एक प्रॉप दूंगी और वो प्रॉप है एक बॉक्स। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो भी करना है बॉक्स के साथ करना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स, अब पैर से ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल है। शेखर एंड प्रीति, चिपक चिपक के आप डांस करते हो स्टार्ट से आज तक, अगले हफ्ते आप चिपक के डांस नहीं करोगे, यानी आप दोनों के बीच में एक दीवार होगा। यू गाइज विल नॉट बी एबल टू सी ईच अदर, यू विल नॉट बी एबल टू टच सी नथिंग। बहुत मायूस हूं, अब चिपक के डांस नहीं कर पाऊंगा। नीरव और रागिनी, आपको एक बहुत ही पुराना गाना लेके बिना रीमिक्स करके आज का तड़का आज का फ्लेवर लेके आपको डांस करना पड़ेगा। ओके ओल्ड इज गोल्ड, पुराना दिया है तो कुछ नया करके दिखाएंगे इसमें। दयान वैशाली, वेल आपका काफी इंटरेस्टिंग सा चैलेंज है, गाने में आपको कहीं फास्ट करना पड़ेगा कहीं स्लो करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप चेंजिंग द टेम्पो द स्पीड ऑफ योर सॉन्ग थ्रू योर एंटायर एक्ट, समझ गए? अब तो बहुत मजा आने वाला है, स्लो फास्ट फास्ट फॉरवर्ड, पता नहीं हम कहाँ कहाँ अटकेंगे कहाँ कहाँ फंसेंगे, बट धमाल करके जाएंगे। याना एंड सलमान, आप दोनों शेयर करेंगे हमारे सुशांत और शंपा से, आप दोनों भी एक एरियल एक्ट करोगे। एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग इट ऑलरेडी, ऑल द बेस्ट। अंकिता, इस बार आप एक शैडो डांस कीजिए हमारे लिए, सो यू एंड निशांत विल डू अ शैडो डांस फॉर अस। ओके सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, Put on your thinking caps and get dancing. अगला हफ्ता हमारी जज मलाइका के चैलेंजेस से भरा होगा और अब सबको करना है दो दो डांस, यानी डबल एंटरटेनमेंट डबल एक्साइटमेंट। एक और खबर, अगले हफ्ते से आप सब तैयार रहिए जजेस डांस ऑफ के लिए, यानी अगले हफ्ते से जजेस और जनता के वोट्स मिलाकर बॉटम टू जोड़ियों को एक बार फिर उतरना होगा डांस के मैदान में और जजेस तय करेंगे कि कौन कंपटीशन में आगे बढ़ेगा और कौन बाहर हो जाएगा। तो घर के सभी मेंबर्स के साथ बैठ जाइए अगले सोमवार रात 9 बजे देखने हर परिवार का नंबर 1 डांस शो झलक दिखला जा। याद रहे ये रिश्ता ना टूटे। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद, हिंदुस्तान की जय हो, आप सबकी जय हो।